टू माई चैनल फ्रेंड्स, प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सके। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, डॉक्टर विश्रुप राय चौधरी की DIP डाइट यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल से दुनिया के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी और बहुत लाभदायक होते हैं। पर जिस तरह दोस्तों हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से काफी सारी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। और दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए पेस्टिसाइड्स का चलन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इन्हीं पेस्टिसाइड्स की वजह से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें इतने मिनरल्स और विटामिन्स होते हुए भी लोग इनको खाने से डरते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो उनको नुकसान ना पहुंचाते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फसलों में भी बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, और ये पेस्टिसाइड्स बहुत ही खतरनाक और बहुत नुकसानदायक होते हैं और हमारे बॉडी की बहुत सी बीमारियों का कारण बनते हैं। इनमें से कैंसर तक एक प्रमुख बीमारी है। तो दोस्तों, अब डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से 98% पेस्टिसाइड्स को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 98% फ्रूट्स और वेजिटेबल में 3 तरह के केमिकल एजेंट्स का यूज होता है। पहला है वैक्स एंड DPA। जो फ्रूट्स दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, इन पर वैक्स की कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि इनमें मॉइस्चराइजर ना आए और ये काफी दिन तक ठीक रहे और ये फ्रेश दिखाई दें। पर दोस्तों, इस वैक्स कोटिंग का उपाय ये है कि हम लोग विदेश से आने वाली, बाहर से आने वाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ना खाएं जो हमारे देश में पैदा होती है, जो हमारी लोकल और सीजनेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल है हम उसको खाएं। दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड। जी हाँ दोस्तों, इस कैल्शियम कार्बाइड का यूज आम और केले को बहुत जल्दी पकाने के लिए होता है ताकि उसकी पैदावार बढ़ाकर जल्दी से जल्दी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड पूरी करी जा सके ताकि एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसमें जो इंडस्ट्रियल कैल्शियम कार्बाइड होता है उसमें तो लेड एंड आर्सेनिक, ये हैवी मेटल भी पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तीसरा है दोस्तों पेस्टिसाइड्स। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेस्टिसाइड्स तो पेड़ की जड़ों में डाले जाते हैं और इसका असर कुछ ही हफ्तों में पेड़ की टहनियों से होते हुए पत्तों और फूल फल तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है। कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो फल और सब्जियों पर छिड़के जाते हैं, वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अब इन फ्रूट्स और वेजिटेबल के पेस्टिसाइड से बचने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि हम ऑर्गेनिक फूड्स एंड वेजिटेबल खाएं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हम ऑर्गेनिक मान रहे हैं उनका भी क्या भरोसा कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, और अगर है भी तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि वो बहुत महंगे होंगे और हर व्यक्ति के रीच में नहीं होंगे, तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल सोल्यूशन की, और ये सोल्यूशन से आप 96-98% तक फल और सब्जियों से पेस्टिसाइड्स के असर को दूर कर सकते हैं। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में प्रकाशित एक शोध और नई रिसर्च के अनुसार अगर हम फल सब्जियों को बेकिंग सोडा वाले पानी में डुबो कर रखें तो उनसे बहुत आसानी से पेस्टिसाइड्स को निकाला जा सकता है। बेकिंग सोडा एक तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि कीटनाशकों या पेस्टिसाइड्स को साफ करने का बहुत अच्छा काम करता है, और ये अपनी एल्कनाइजिंग नेचर के लिए जाना जाता है, और ये फ्रूट और सब्जियों से 96-98% पेस्टिसाइड्स का असर कम करने में कारगर है। और पेस्टिसाइड्स का सबसे प्रचलित रूप थाइबेंडाजॉल और फॉस्फेट को ये बहुत आसानी से साफ करता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि एक्चुअली अब आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक बड़े बर्तन में सारे फ्रूट्स और सब्जियों को डाल लें, उसमें पानी इतना भर दें कि सारे फ्रूट्स और सब्जी उसमें डूब जाएं। अब उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लें और अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको निकाल कर बहते हुए पानी में धो लें। ऐसा ना करें कि किसी दूसरे बर्तन में साफ पानी लेकर उसी में धोते रहें, मीन्स नल के नीचे आपको बहते हुए पानी में धोते रहना है। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देता हूँ कि 2 लीटर पानी में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। अगर आपका पानी 4 लीटर है तो 2 टीस्पून बेकिंग सोडा का यूज होगा। तो दोस्तों, ये था आपके लिए बहुत इजी और प्रैक्टिकल सोल्यूशन फ्रूट्स और वेजिटेबल से पेस्टिसाइड्स को खत्म करने का और उसका असर कम करने का। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिन पर पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं होती, यानी कि वो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे आलू, प्याज, शकरकंदी, गाजर, मूली, अरबी। इसके अलावा काफी हरी पत्तेदार सब्जियों पर भी ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पालक हुआ, पुदीना हुआ, मेथी हुआ, चौलाई का साग और भी दूसरे तरह के हर तरह के साग। हाँ दोस्तों, ये 3 बात आप जरूर याद रखें कि सबसे पहले
कभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटकर बेकिंग सोडा में नहीं धोना है। इनको हमेशा फ्रूट्स या वेजिटेबल को साबुत ही बेकिंग सोडा में डालना है। दूसरा, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आप सब्जी बनाएं तो सब्जी को ढककर ना बनाएं। उनका मानना ये है कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो स्टीम के माध्यम से सब्जी के ऊपर या उस पर लगा पेस्टिसाइड भी उड़ जाता है। तीसरा, जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम छील कर खाते हैं उनको भी बेकिंग सोडा वाले पानी में धो लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम धोएंगे नहीं तो काटते समय उसके पेस्टिसाइड्स भी उसके अंदर चले जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप बेफिक्र फ्रूट्स और वेजिटेबल भरपूर खाएंगे, ताकि इनके मिनरल्स और विटामिन आपको पूरा पूरा लाभ दे सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं हूं मानस समर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एडुकेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डिवोटिंग योर टाइम। जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक